फिल्म का नाम है मोना डाली, इसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके की फिल्म है और पोस्टर में भी आप दिखाई दे रही है, कवर पेज के प्रोफाइल में भी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपको अच्छा लगा नाम? हाँ जी, मुझे मोना डार्लिंग जब पहली बार मुझे सिर्फ मूवी का नाम बताया दे क्या है, यू नो, बिकॉज इट्स अ टाइटल जो आप मिस नहीं कर सकते और एक बार सुन लिया तो भूल भी नहीं सकते। सो आई थिंक आई लव द कैरेक्टर नेम, आई लव बी प्लेइंग मोना, और मैं मोना का किरदार निभा रही हूँ इस फिल्म में जो टाइटल रोल है इस फिल्म का। और एक बहुत ही नॉर्मल लड़की की कहानी है जो शुरुआत बहुत नॉर्मल सी से होती है बट फिर बहुत कुछ अबनॉर्मल हो जाता है उसके साथ। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है, बहुत ही इंट्रीगिंग रोल है। आपको इस कैरेक्टर के इंटेंशंस शायद ना समझ आएँ, शायद समझ आएँ, आई होप समझ आएँ, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिलर, इट्स अ हू डन इट। एंड मोना इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और अंशुमन और दिव्या और ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ये सब इस चीज़ के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर है क्या। ओके, आप किस तरीके के दौर में इसके बारे में बताते हैं? वेल, मोना इज अ वेरी नॉर्मल गर्ल, शी लव्स हैविंग फन, उसको मजे करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइक जैसे कॉलेज की टीनेज लड़कियां होती है, बहुत केयर फ्री है, ज्यादा सोचती नहीं है। कोई लड़का अच्छा लगता है तो बस अच्छा लगता है, यू नो, अपने दिल की सुनती है, ज्यादा सोच समझ के चीजें नहीं करती, और उस वजह से वो कुछ चीजों में फंसती है और फिर जो ट्रांजिशन है उस कैरेक्टर का वो शुरू होता है। ओके, जैसे कि मोना रहीजा लिखा हुआ है, रहीजा से डार्लिंग होती है ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं डार्लिंग करने में मेरा हाथ नहीं है, एज आई थिंक अगर आप लोगों ने प्रोमो देखा है तो एक ऐसी फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है मेरे नाम से जो मैंने नहीं बनाया होता है बट किसी और ने बनाया होता है, और उसमें कुछ वीडियोस फोटोज अपलोड होते हैं एंड उस पर्टिकुलर पेज का नाम मोना डार्लिंग रख देते हैं वो लोग विथ माय पर्सनल नंबर, एज इन द कैरेक्टर्स पर्सनल नंबर इन इट, जिसकी वजह से पूरा टर्मोइल शुरू होता है। सो मोना रहेजा इज एक्चुअली माई नेम बट ये जो कुछ खराब लोग हैं इन्होंने मुझे मोना डार्लिंग बना दिया। ओके, कोई ऐसी कोई मेमोरीज रही है कोई सोशल मीडिया से जुड़ी हुई या कोई ट्रेजेडी रही है आपकी? या यू नो व्हाट, इनफैक्ट मैं और दिव्या जो मेरी को एक्टर हैं इस फिल्म में, हम दोनों ये चीज़ एक बार डिस्कस कर रहे थे बैठ के, एंड शी टोल्ड मी अबाउट हाउ शी वुड गेट अ लॉट ऑफ बैड मैसेजेस ऑन फेसबुक, कभी कभार फोटोशूट पे लोग कमेंट करेंगे क्या कपड़े पहने, ये हमारी सभ्यता नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट। मतलब इतना होने लग गया था कि वो कुछ टाइम तक सोशल मीडिया छोड़ दिया था उसने बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। बट आई डोंट नो, मैं शायद बॉम्बे सर्कल में हूँ या क्या है, आई हैव बीन वेरी लकी। मतलब वो थोड़े बहुत मिलते हैं आपको, हाय मैडम, यू आर ब्यूटीफुल, फ्रेंडशिप, वो सब होता है, बट कभी कोई ऐसा ऑफेंसिव कि कुछ खराब लिखा हो या कुछ मुझे हर्ट करने के इंटेंशन से या मुझे परेशान करने के इंटेंशन से कुछ किसी ने किया हो, वैसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, टच वुड। सो या आफ्टर मोना डार्लिंग तो मेरी बहुत फट रही है, भगवान करे ना हो कभी। ओके, सोशल मीडिया को कितना आप सेफ और कितना डेंजरस मानते हैं? आई थिंक सोशल मीडिया इज अ वेरी ट्रिकी थिंग बिकॉज ए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में, बिकॉज सब कुछ स्पेशली हमारी जैसी फील्ड में और इनफैक्ट हर चीज में सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एवरीबडी इज ऑन इट, एवरीबडी इज प्रमोटिंग एवरीथिंग ऑन इट, बट द प्रॉब्लम इज कि हम आई थिंक एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है विद सोशल मीडिया, बिकॉज आई सी दीज किड्स टुडे, मतलब उनकी लाइक गर्दनें ऐसी हो जाती हैं आई थिंक कुछ टाइम बाद फोन में इतना देख देख के। एंड आई थिंक देर वॉज अ कोट दैट आई रेड समवेयर, किसी ने लिखा था कि आप कभी नोटिस कीजिएगा जब आप फेसबुक पे जाते हो और जब फेसबुक से बाहर आते हो, यू आर नेवर हैप्पियर, एंड दैट इज ट्रू, बिकॉज आप इतने इन्वेस्टेड हो दूसरों की लाइफ में चीजें देखने में कि आप अपनी लाइफ तो जी नहीं रहे हो, एक घंटा बीत जाता है और क्या, लाइक यू नो, सो देर हैज़ टू बी अ बैलेंस, इट शुड बी यूज फॉर द राइट पर्पसेस, बट ये जो एक लोगों की हैबिट बनता जा रहा है, एक वे ऑफ लिविंग बनता जा रहा है, आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद दैट। ओके, सो क्या टारगेट ऑडियंस है इसकी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आई थिंक टारगेट ऑडियंस इज डेफिनेटली द यूथ, एंड आई थिंक हूएवर यूजेस सोशल मीडिया, आई थिंक द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 35 विल डेफिनेटली एंजॉय दिस मोर, आई होप उसके ऊपर लाइक आई मॉम डैड और सब इन्जॉय करें, बट टू बी रियलिस्टिक आई थिंक इट्स अ यूथ ओरिएंटेड फिल्म, इसकी जो चीज़ें हैं वो आई थिंक समवन हुज यंग वुड बी एबल टू एसोसिएट देमसेल्व्स टू अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म, एंड या एंड आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ पेसी फिल्म, इट्स नॉट अ रोमांटिक ड्रामा, इट विल कीप यू एट द एज ऑफ योर सीट्स, एंड आई थिंक आज की यूथ को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है, एटलीस्ट आई होप, एंड आई होप
I don't know, connect करेगी कि नहीं. मेरा main मुद्दा है बस entertain करें हम उन्हें. I hope they like it. I hope they like the story because ये हमारी picture की सबसे बड़ी USP ही हमारी script है. I think no character is bigger than the script in our film. So I'm really excited about it and I hope कि आप सबको भी उतनी अच्छी लगे. Okay, film में जैसे कि social media दिखाया गया है. जी. हर चीज दिखाई गई जो आजकल के जो जो trailer में हमने देखा, जो हर चीज में दिखाई गई है, जो करते हैं लोग जो है. So उससे कोई message मिलने वाला है लोगों को? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने मिलेंगी, जैसे कि जो मिसयूज होता है सोशल मीडिया का, स्पेशली आप जब किसी और को हर्ट करने के लिए करते हो, आपके लिए वो कुछ दिन का मजा होता है, बट किसी की पूरी लाइफ उसकी वजह से चेंज हो जाती है. वो भले ही सब कुछ ठीक भी हो जाए तो भी कहीं ना कहीं वो आपके साथ जिंदगी भर रह जाता है. नॉट जस्ट दैट, जब आप अगर देखें जो दंगल की एक्ट्रेस के साथ हुआ, यू नो शी वॉज ट्रोल्ड ऑन द इंटरनेट फॉर जस्ट मीटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट. सो आई मीन क्यों यार, हम सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, वी ट्राइंग टू डू द बेस्ट थिंग. एंड आप अगर एक 16 साल की बच्ची को नहीं छोड़ सकते तो हम क्या चीज़ हैं यार. मतलब हमारे लाइक यू नो यू कांट, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते फिर अगर आप उनको नहीं छोड़ सकते. तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ थी जो हुई है रिसेंटली इन सोशल मीडिया. एंड Yeah, I think it's disgusting. Yeah. Okay, shooting memories क्या रही हैं? Sorry? Shooting memories क्या रही हैं सबके साथ? Oh, shooting memories तो बहुत अच्छी रही हैं. I think मैं, दिव्या और अंशुमन, we fit like a perfect puzzle. Like not just professionally as our characters, but personally we had such a good time, three of us. मैं और दिव्या specially, because हम दोनों को music का बहुत शौक है. वो गिटार बजाती है बहुत अच्छा, मैं गिटार बजाना सीख रही थी. वी वुड जैम ऑल नाइट. हमने बहुत मजे किए शूट के दौरान. एंड वी बिकम, आई गेन सम वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. सो या आई थिंक शूट की यादें बहुत अच्छी होती थी क्योंकि ज़्यादातर लोग काम करते रहते थे. अंशुमन बेचारा बिकॉज वो एक्टर भी था और वो ही वॉज हैंडलिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन द प्रोजेक्ट एज वेल, तो वो तो इधर उधर भागता रहता था ज़्यादातर. मैं और दिव्या बैठ के लोगों का मनोरंजन करते थे, दो दो गिटार ले आते थे. एंड वी यूज टू लाइक Yeah, we had a lot of fun, I think. Yeah. Okay, और shooting क्या-क्या locations थे? कहाँ-कहाँ पे shoot किया? We shot it mostly in Mahabaleshwar and the colleges around there, and also some parts in Bombay. Yeah. Okay. और बताइए कि मतलब अगर USP की फिल्म की अगर बात करें तो USP क्या मानती हैं फिल्म की आपके हिसाब से? USP definitely ये है कि ये पहली social media who done it thriller है जो पहले कभी हुआ नहीं है. And secondly, I think It's a very interesting mix of people. शायद बहुत बड़े कोई stars यहाँ है नहीं, but ये script इतनी अच्छी है कि शायद आपको पता भी ना चले. सारे characters, you wouldn't even remember them by our names probably. You would remember those characters as Vicky, Sarah or Mona. So I think that's the beauty of that film, the characterization and the script, and that's our USP. Okay, कितना मुश्किल होता है एक नए actors के लिए जो नए लोग आ रहे हैं जो, तो उनको टक्कर देना, क्योंकि आजकल जिस तरीके की फिल्म की कमाइयाँ जो हो रही है वो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, इस तरीके, तो कितना मुश्किल होता है एक नए एक्टर के लिए इस तरीके से फिल्म को आगे हिट करना और प्रमोट करना? मुश्किल डेफिनेटली होती है. ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ बूस्ट जब आपकी प्रोजेक्ट में कोई बड़ा नाम अटैच्ड होता है. बट आज आई थिंक धीरे धीरे वक्त चेंज हो रहा है. पहले एक वक्त था जब हम गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी पिक्चर आए वो सोच भी नहीं सकते थे कि यू नो और हिट होगी, लाइक इट वुड बी एन आर्ट फिल्म इफ इट वॉज 10 years ago. बट अब जमाना बदल रहा है, लोगों का पेशेंस कम होता जा रहा है नॉनसेंस के लिए, लोगों को अच्छी चीज़ें देखनी है. सो आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं. बट हाँ, अब तक इट्स स्टिल डिफिकल्ट टू प्रमोट अ न्यू कमर फिल्म, बट आई ऑनेस्टली बिलीव अगर ये मूवी अच्छी होगी एंड देयर इज ऑलवेज वर्ड ऑफ माउथ एंड पीपल वुड टॉक अबाउट इफ इट्स गुड. सो या आई वुड से दैट. सॉरी, क्वेश्चन क्या था? आप अगर किसी भी तरीके से कोई काम रोकते हो वो ऑलरेडी मेरे लिए गलत है. रीजन कुछ भी हो, कोई भी जब पॉलिटिकल पार्टी और सम गूंज जब आप चलते हुए काम को रोकते हो, भले एक शूट हो या वो भले एक सीलिंग की कंस्ट्रक्शन हो, या आप काम रोक रहे हो तो आप प्रोग्रेस रोक रहे हो. और अगर आप ये नहीं समझ सकते तो आप स्ट्यूपिड हो. सो आई एम सॉरी, एनीथिंग दैट डिसरप्ट्स प्रोडक्टिविटी इज रॉन्ग, पीरियड.
ओके सो क्या कहना चाहेंगी जाते जाते दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि मोना डार्लिंग जो कि रिलीज हो रही है 17th of Feb, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है. एटलीस्ट इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म दैट आई कैन गारंटी, एंड आपको आपकी सीट पर एकदम ग्लू करके रखेगी ये मूवी, ये मेरा वादा है. एंड आई होप यू गाइज वॉच इट. हैव अ ग्रेट वैलेंटाइंस वीक एंड प्लीज वॉच मोना डार्लिंग. थैंक यू सो मच.